कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा इलेक्शन में अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना का आश्वासन दिया था। जिन गरीब परिवारों का साल का उत्पादन 1,44,000 रुपए से है, उन गरीब परिवारों के घर में हर महीने 6,000 रुपए यानी 200 रुपए रोज बैंक खाते में जमा होंगे। ऐसी योजना अपने घोषणा पत्र में की थी। गरीब परिवारों के लिए महिला के बैंक खाते में ये रकम जमा होगी ताकि इस रकम का दुरुपयोग न हो, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार न आने के कारण इस योजना पर अमल नहीं हो सका। इस कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में भुखमरी आन पड़ी है। आरोग्य और अर्थव्यवस्था बड़ी मुसीबत में है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार से ऐसे ही न्याय योजना की मांग कर रहे हैं ताकि जरूरतमंद परिवारों के बैंक खाते में 6,000 रुपए यानी 200 रुपए प्रतिदिन जमा कर सकें ताकि उनके जीवन निर्वहन का प्रश्न हल हो जाए। आज माजी पंत प्रधान भारत नगर स्वर्गीय राजीव जी गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अकोला में अकोला युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष महेश दादा गणगणे और अकोला लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी ने ऐसी योजना से गरीब परिवारों के जीवन में क्या फर्क हो सकता है एक दिन का अनुभव देने के संदर्भ में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस कमेटी और अकोला लोकसभा कांग्रेस कमेटी ने गरीब परिवारों को 200 रुपए देकर केंद्र सरकार से ऐसी योजना जल्द चालू करने की मांग की है। अकोला से संवाददाता मोहम्मद ऐजान की रिपोर्ट।